कैंसर बीमारी लगातार अपने पैर फैलाती जा रही है, जिसके प्रमुख कारण मादक पदार्थ हैं। बढ़ते रोगियों और इस बीमारी के विकराल रूप लेने के चलते क्षेत्र में कैंसर मरीजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। हमने बॉम्बे हॉस्पिटल के पूर्व सर्जन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला से बात की, जिन्होंने बीमारी के लक्षण और उपचार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला के साथ रीवा जिले के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश पटेल ने भी जानकारी दी। आपको बता दें कि डॉक्टर अखिलेश पटेल लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आइए सुनते हैं दोनों चिकित्सकों से कैंसर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के संबंध में। हैं विराट न्यूज 24। हमारे साथ आज कैंसर स्पेशलिस्ट जुड़े हुए हैं योगेश्वर शुक्ला जी, जो बॉम्बे हॉस्पिटल के पूर्व कैंसर सर्जन है। तो हम आज आपसे जानने होंगे कि कैंसर क्या है, कैंसर के लक्षण क्या होते हैं और कैंसर के बचाव क्या होता है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले विराट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सर, कैंसर क्या है और इसके बचाव क्या चीज है? देखिए साहब, कैंसर अगर अपन सरल भाषा में समझें तो कोई भी ऐसा टिश्यू या ऊतक शरीर में जो कि बढ़ना शुरू होता है पर वो रुकता नहीं, और वो बढ़ के एक विकराल रूप ले लेता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू करता है, जिससे फिर अलग अलग तरीके की समस्याएं शरीर में डेवलप होती हैं। इसके प्रमुख लक्षण क्या है? देखिए, मेन अगर बात करें तो दो मेन लक्षण है जिसपे अपन इसको बांट सकते हैं। नंबर एक, कोई भी ऐसी गठान जो कि लगातार बढ़ रही है, दिक्कत कर रही है, और या कोई ऐसा छाला जो घाव जो बना हुआ है, नॉर्मल इलाज के बाद भी वो घाव भर नहीं रहा है जी। ये मेन दो लक्षण हो गए। इनके अलावा बाकी लक्षण जैसे अचानक वजन का कम होना, रक्तस्राव होना, बच्चेदानी के रास्ते से रक्तस्राव होना, या फिर मुंह से खून आना, बलगम में खून आना, लैट्रिन में खून आना, ये एक कॉमन लक्षण है जिनके लिए आदमी को सजग रहना चाहिए। और डॉक्टर साहब, इसके अपन उपाय कैसे कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, सर्वप्रथम तो बात यह है कि जो ये लक्षण मैंने बताए इनको हल्के में नहीं लेना। अगर ठीक है, 10-15 दिन आपने लोकल उपाय लिया, इलाज लिया, अगर आराम नहीं मिल रहा है तो सर्वप्रथम एक उचित कैंसर सर्जन, कैंसर स्पेशलिस्ट, किसी से भी सलाह लें, वो आपको आगे क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है इलाज के लिए बताएंगे। नंबर एक। नंबर दो, तो इसमें बात यह है कि क्या करना होता है। नंबर एक तो बायोप्सी आती है जी। बायोप्सी कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, कौन सी लेनी है, वो अगेन जो कि स्पेशलाइज कैंसर सर्जन है वो आपको बताएंगे और वो करेंगे। उसमें प्रूफ आता है कि भाई साहब, जो अपन गठान या छाले की जो बात कर रहे हैं उसमें कैंसर है या नहीं है। और फिर इस प्रूफ के बाद ये देखा जाता है कि कैंसर फैला कहाँ तक है, उसके अनुसार फिर फाइनल जो हमारा ट्यूमर बोर्ड रहता है, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर सर्जन, ये तीनों की टीम रहती है, ये डिसाइड करते हैं कि आगे किस प्रकार से इलाज में बढ़ना है ताकि मरीज को हम बेहतर सुविधाएं देते हैं। हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब जुड़े हुए हैं, अखिलेश सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो हम आपसे भी जानेंगे सर कि सर इसका उपाय क्या है। कैंसर एक जो भ्रम है कि एक लाइलाज बीमारी है, सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ना पड़ेगा जी जी। और रीवा में इस क्षेत्र में अस्पताल में तीनों ही तरीके के डॉक्टर अब उपलब्ध हैं। मरीजों को इसके लिए अब नागपुर, दिल्ली, मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। निकट साहब, जैसा कि ये देखने आया है कि गाँव में जो भी देहात में लोग रहते हैं, तो कैंसर जैसे अगर लक्षण पाए गए, लोग सोच लिए कि कैंसर है, तो बहुत सारे भ्रमित पड़ जाते हैं कि कैंसर हो गया, अब ये बचने वाली बीमारी नहीं। सर, इस संदर्भ में क्या है आप पब्लिक को बताना चाहेंगे? मरीज को और उसके परिजनों को इस भ्रम से भी बाहर निकलना चाहिए। एक तो उनको लगता है कि ये छुआछूत की बीमारी है, छुआछूत की बीमारी कैंसर बिल्कुल नहीं रहती है। मरीज के साथ रहने, उठने बैठने, उसके खाने से ये बीमारी नहीं फैलती है। और एक बार कैंसर हो गया, उसका उचित तरीके से किसी भी कैंसर सर्जन या इस फील्ड के स्पेशलिस्ट के मार्गदर्शन में उसका इलाज लिया जाए, तो मरीज की लाइफ लगभग उतनी ही हो जाती है जिसकी ऊपर से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेड। और डॉक्टर साहब, इससे अपन बचाव कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ा मतलब आप बचाव के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते। खासकर रीवा क्षेत्र की बात करें तो हमारे युवाओं में एक नशे की जो लत है, खासकर गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, जो हमारे रीवा क्षेत्र में, जैसा कि योगेश सर का भी मानना है कि इस क्षेत्र में इन चीजों का सेवन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, तो इससे मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में मिलता है। तो जो हमारी युवा पीढ़ी है या जो भी आगे की पीढ़ी है, वो गुटखा, तम्बाकू, इनका सेवन बंद करे। खासकर जो खैनी और सुपारी खा के मुंह में लंबे समय तक रखते हैं, ये लंबे समय तक जो रखते हैं क्रोनिक इरिटेंट होते हैं, जिससे कैंसर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
तो ये आदतें छोड़ दें। और सर लास्ट में आप हमारे रीवा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप रीवा के लोगों के लिए यही संदेश है कि सर्वप्रथम जो ये बुरी लतें और आदतें हैं इनको वो छोड़ दें। यदि किसी को ये बीमारी हो गई है तो वो डरे नहीं, हमारी टीम है, हमारे बड़े सर हैं, कैंसर से लड़ना है, कैंसर से डरना नहीं है, उनका पूरे समुचित तरीके से इलाज किया जाएगा। जो जिनके पास फंड या पैसे का अभाव है वो हमसे मिले और जो भी हमसे यथासंभव हो पाएगा विभिन्न सरकारी अनुदान या आयुष्मान जो भी हो पाएगा हम उनका इलाज करने में कोई भी किसी तरीके की कमी नहीं रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए।